क्यों मैं ये फाइंडिंग क्यों ना दे दूं कि दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन वाज अ फार्स, इट वाज नथिंग, इट वाज अ मैलाफाइड एक्शन, व्हाई शुड आई नॉट गिव अस सच अ फाइंडिंग एंड दीज पर्सन्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ऑफिसर्स. अभी भी आपकी जांच चल रही है, लीपा पोती करने के लिए बैठे हैं आप लोग, यहाँ पे जांच चल रही है, लीपा पोती करते हैं आप लोग बैठ के यहाँ पे. और दो दिन हो गए, दो दिन नहीं कितने दिन हो गए सर, डायरेक्टेड बाय योर लॉर्डशिप एंड रजिस्टर लास्ट 10 इयर्स हैव बीन कॉल्ड बैलेट बट सर क्रूशियल ईयर था 2014 व्हेन द केस वाज रजिस्टर्ड 2017 व्हेन द क्लोजर रिपोर्ट वाज सबमिटेड. मुझे वो फ्लैग लगा के दे दीजिएगा. प्राप्त डायरी थाना श्री वैष्णव हेतु अवलोकन करने कायमी पूर्ण में द्वारा विवेचना खारजी भेजने प्राप्त होने स्थगित खारजी पेश 15 दिन नहीं ये तो 15 दिन 24 उसको कुछ एंट्री यहाँ से स्टूट हो जाती है. ये जराइम रजिस्टर है कि रोजनामचा रजिस्टर है? जराइम रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा होता है, पूरे रोजनामचा साना जैसा. ये फिर ये बताइए कि इसके बाद खारजी के बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं है जो 2017 में, तो 2021 में कैसे खुल गई डायरी आपकी? उन्होंने डायरी बिना इसमें एंट्री के कैसे खोल दी? अभी तो आपने कहा ना जो भी डायरी में लिखा जाता है उसका थोड़ा थोड़ा जिस्ट इसमें आता है, उनको कैसे सपना आया कि ये डायरी अभी पेंडिंग है? डायरी लेके घर में बैठे हुए थे. व्हाट डू यू वांट टू से? अभी भी आपकी जांच चल रही है, लीपा पोती करने के लिए बैठे हैं आप लोग, यहाँ पे जांच चल रही है. एक आदमी 2017 में उसके बाद लिखता नहीं है कि खारजी का हुआ क्या, उसके बाद 2021 में डायरी खोलता है और इसमें जराइम रजिस्टर में कुछ नहीं लिखता है उसमें, और आप कहते हैं कि अभी तुम जांच चल रही है. तो प्रेजेंट टीआई है, वो सस्पेंड हो गए हैं. आई एम लीज कंसर्न अबाउट माय सस्पेंशन ऑफ द ऑफिसर्स. आई एम लीज कंसर्न अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द ऑफिसर्स. I am concerned about the SP and the CSP, what they were doing, what this person was doing. अभी आया तो वो टीआई भी अभी आया था जिसको आपने सस्पेंड किया है. आप मेरे मेरे सामने कैमोफ्लेजिंग मत कीजिएगा प्लीज. He has to answer that when there is no entry in this register, that whether the charge sheet, whether the closure report was accepted or rejected, how he opened the diary on the year 2021 and recorded the statements of two persons. And why that fact is not mentioned in this register? What you are doing, you are the CSP, na? अभी आप कब आ गए आप? अप्रैल 22 में आ गए आप. और अप्रैल 22 में आके 2 साल आपने क्या किया इस केस के साथ? अभी आए हैं ये आप ये कहते हो अभी आए हैं? 2 साल से आदमी ये सीएसपी बन के उस थाने का निगरानी कर रहा हूँ, कहता मैं अभी आया हूँ. व्हाटएवर इट मे बी, अभी आप कहते हैं कि वो दी देन टीआई की हम इंक्वायरी कर रहे हैं और प्रेजेंट टीआई की हमने सस्पेंड कर दिया है, और गिल्टी किसकी दिखा रहे हैं? दी देन टीआई की. कैसे जस्टिफाई करोगे अपने अपने सेंटेंस को? सर बिल्कुल.
आज आप आके एक आदमी ने जिसने सिर्फ वो डायरी पे हाथ नहीं लगाया उसको सस्पेंड कर दिया, और एक आदमी ने जिसने पूरी मैनिपुलेट की है डायरी, आप कैसे कह रहे हो मिस्टर सीएसपी व्हेन देयर इज नो एंट्री इन दिस रजिस्टर कि दैट द डायरी वाज रीओपन इन द ईयर 2021, व्हाई शुड नॉट आई ड्रॉ एन इंफरेंस कि दैट दोस स्टेटमेंट्स आर नथिंग, इट इज अ कंकॉक्टेड डॉक्यूमेंट्स। जब भी डायरी खुलती है उसके रोजनामचासाना में एंट्री होती है, कहां है रोजनामचासाना जिसमें वो गया था वो दो आदमियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए? क्या आपको बच्चों की तरह हर टेप पेश पे बताना पड़ेगा कि भी क्या लाना है आपको? वेयर इज दैट रोजनामचासाना? फिर बच्चों की तरह मुझे, आप सीएसपी हैं कि क्या है? आपको पता है कि भी इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी क्या है? और फिर मैं आपको बताऊं कि रोज नमसा साना कहा है? मिसेस गांगुली, आप मुझे ये बताइए, वेन एवर अ डायरी इज ओपन देर इज अ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, रोज नमसा साना होता क्या है सर, ये बताइए। चलिए, डेली की एक्टिविटीज जो है उसमें, यस डेली की एक्टिविटीज में कहां है कि वो कहां गए थे और कहां उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए? ये फर्जी स्टेटमेंट बनाए गए हैं दो, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मटेरियल है कि देर आर नो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, और आप कहते हैं हम इंक्वायरी करेंगे, जो प्रमेय फसाई फर्जी दिख रहा है उसको इंक्वायरी करेंगे, और जिस आदमी ने सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने डायरी नहीं देखी और कुछ नहीं किया उसको उठा के सस्पेंड कर दिया, और जो आदमी पूरा फर्जी काम कर रहा है जो ऐसा प्रमेय फसाई लग रहा है उसके बाद आप इंक्वायरी करेंगे? क्यों का? मुझे नहीं, आई एम लीस्ट कंसर्न, माई ओनली कंसर्न इज वेदर शुड आई होल्ड दैट दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन इज अ मैलाफाइड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द आईओ एंड ही हैज ट्राइड टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड पर्सन्स। लीपापोती करते हैं आप लोग बैठ के यहाँ पे, और दो दिन हो गए, दो दिन नहीं कितने दिन हो गए सर, रुक जाइए, 12 तारीख को आपको डायरेक्शन दे दिया गया था, आज कौन सी है, 8 दिन हो गए हैं, आपको यही नहीं पता है कि वो फर्जी स्टेटमेंट थे कि वो सही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए? सर सीधा बताओ, 2:15 क्या बताओगे? यस मिस्टर, क्या रोज नाम चा साना में एंट्री है? रोज नाम चा साने में पर्चे के रूप में एंट्री हुई है, रोज नाम चा साना कंप्यूटराइज हो चुका था, एसपी ऑफिस गया इमीडिएटली कि पर्चा लगाया है आपने? अच्छा, कैसे लगा सकते हैं वो जब आपके रोजनामचा सारे कंप्यूटराइज हो चुके हैं? एसपी का ऑफिस गया है वो, मैं बुलवा लूं एसपी ऑफिस से? ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन है ना, निकाल के दीजिए मुझे।